उस समय हम लोग कहाँ थे, इससे बड़ी बात है कि जो लोग कश्मीर फाइल्स बना रहे थे वही लोग सरकार में थे। नहीं, कश्मीर फाइल्स सही नहीं है, कश्मीर फाइल्स का राजनीति है। पूरे देश में एक तनाव पैदा करने के लिए कश्मीर फाइल्स चलाया जा रहा है। दंगे जब भी होते हैं तो समान तरीके से दोनों पक्ष जिम्मेदार होता है। नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज, आप देख रहे हैं जीएन भारत। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती हर साल 14 अप्रैल को मनाई जाती है। अंबेडकर जयंती को लोग समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आज भाकपा माले के लोग धरना पे बैठे हैं, आइए इनसे जानते हैं। आज आप लोग अंबेडकर जयंती के दिवस पे धरना पे बैठे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, आज पूरे देश में हम लोग अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। अंबेडकर को जिसके लिए हम लोग याद करते हैं कि वो भारत के संविधान के निर्माता हैं, और संविधान में बहुत वो सारी चीज़ें हैं जो आदमी को समाज में बेहतर तरीके से ज़िंदा रहने का अधिकार मैसर करता है। आज जो हम लोग देख रहे हैं कि देश के अंदर में जिस तरह से हिंसा और नफरत की राजनीति वो फैलाने की कोशिश की जा रही है, ये हमारी मान्यता है कि पूरी तरह से अंबेडकर जी के जो संविधान है उसके मूल आत्मा की हत्या करने की राह पर वो चला हुआ है। इसीलिए अंबेडकर को याद करने का मतलब है वो सांप्रदायिक जो सौहार्द है, जो भाईचारा है, जो देश की एकता को मजबूत करने का जो मूल सूत्र है उनको याद करना है। और आज हम लोग अंबेडकर के जयंती पे आज हम लोग 2 घंटे का उपवास कार्यक्रम में शामिल हैं, और हम लोग आज गुरदास चटर्जी की भी संयोग से आज के ही दिन हत्या हुई थी। तो ये राजनीति के जो आदर्श हैं, जनता के प्रति समर्पण की भावना, समाज को एक साथ एकता में ये पेर करके रखना, तो ये जो मूल भावना है तो इसी को हम लोग आज अंबेडकर को याद कर रहे हैं कि देश के अंदर में संविधान लोकतंत्र की हत्या करने की जो केंद्र सरकार के द्वारा जो कोशिश की जा रही है वो बंद किया जाए, समाज में ज़िंदा रहने का अधिकार लोगों को मैसर किया जाए। अंबेडकर को आज हम लोग उनके संविधान को याद करते हैं और संविधान जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। अपना परिचय? भुवनेश्वर केवट माले। मूल बात है कि जब हम कहते हैं संविधान खतरे में है तो उसका थोड़ा अभी के तारीख में थोड़ा व्यापक अर्थ हो गया है। ये संविधान का जो उल्लंघन है वो इस देश की सरकार ही कर रही है, ये एक खास बात है। मैंने आम नागरिकों के द्वारा, किसी खास जमात के द्वारा संविधान का उल्लंघन होता तो बात होती नहीं, चिंता की नहीं होती, लेकिन ये बहुत खतरनाक बात है कि जो सरकार, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, संविधान के ही शपथ लेकर के गद्दी में बैठते हैं, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के उकसावे में, उन्हीं के संरक्षण में, अभी हाल में आप देखे होंगे कि ये जो रामनवमी का दिन था या इसके पहले जो पृष्ठभूमि तैयार किया गया आपका कश्मीर फाइल्स दर्शाने के जरिए, तो ये मैं समझता हूँ कि जानबूझ करके इस देश में एक हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश हो रही है। और आपको मैं बता दूँ कि खुद अंबेडकर जी का कहना था कि अगर इस देश में कभी भी, मैंने वो तो अपने ज़िंदगी में कहा, कभी भी अगर इस देश में हिंदू राष्ट्र का गठन होगा तो ये इस देश का वो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण, सबसे अंधकारमय दिन होगा। तो ये था अंबेडकर जी का मानना, जबकि आज के जो सत्ताधारी, आज के जो प्रधानमंत्री, आज के जो गृह मंत्री, आज की जो सरकार, आज के जो सरकार के पृष्ठपोषक संगठन हैं, ये लोग सब एकदम खुल करके हिंदू राष्ट्र बनाने का, अल्पसंख्यकों का सफाया करने का ये सब बातें कर रहे हैं, इस पर अमल भी कर रहे हैं। तो आज इसलिए इस साल अंबेडकर जी को याद करना ये एक खास महत्वपूर्ण हो गया है। अभी आप, हम कह रहे हैं कि जिस रामनवमी का बात मैंने कहा, आपको मालूम होगा कि देश के 6 राज्यों में उस दिन सांप्रदायिक तनाव हुआ, दंगे हुए, कई लोगों की जाने गई, जिसमें झारखंड भी एक है, लोहरदगा में, बेरमो में और कई जगह में, समझ गए ना, सांप्रदायिक हिंसा संगठित किया गया राम जी के नाम लेकर के, समझ गए। तो ये हम समझते हैं कि ये अत्यंत आपत्तिजनक है, इसका हम लोग घोर भर्सना करते हैं। जो अभी
अभी तक मिले हैं जो जो दंगा किए हैं सारे में मुस्लिम का ही नाम है, तो इस पे आप क्या कहेगा? जब आप बोल रहे हैं कि सुनिए, वहाँ पे जब हिंदू को मारा गया था तो उस समय आप लोग कहाँ थे? उस समय हम लोग कहाँ थे? इससे बड़ी बात है कि जो लोग कश्मीर फाइल बना रहे थे वही लोग सरकार में थे, केंद्र सरकार में थे, गवर्नर उन्हीं का आदमी था, कश्मीर का गवर्नर। बिल्कुल गलत हुआ था, लेकिन उस गलत को रोकने का जिम्मेदारी नहीं, कश्मीर फाइल सही नहीं है, कश्मीर फाइल्स का राजनीति है। उस कोई भी चीज़ को समझिए उसको समय को चुन करके। हम कह रहे हैं कि जो पंडित लोग वहाँ से विस्थापित हुए आज तक वो दिल्ली में या देश के अन्य इलाकों में भटक रहे हैं, अभी भी उनका पुनर्वास नहीं हुआ है, और उस पर ध्यान नहीं दे करके पूरे देश में एक तनाव पैदा करने के लिए कश्मीर फाइल्स चलाया जा रहा है, ये है हमारा कहना, और इसका जोरदार विरोध होगा। हम लोग करेंगे, पूरे देश की जनता करेगा। कौन नहीं जाना? नहीं, वो नहीं जानने की बात नहीं है, सब कोई सब कुछ जानता है, समझ गए? सारे तथ्य जो है, सारी सच्चाई जो है दुनिया के सामने जग जाहिर है। मूल मामला है कि सत्ता के में जो लोग बैठे हैं उनका अपना उद्देश्य है, उनका अपना मकसद है, वो कश्मीर वाली प्रकरण को उलझा उठा भड़का करके वो इस देश में सांप्रदायिक तनाव बना करके और हिंदू राष्ट्र कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी का विरोध हम लोग कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने वाली बात उस दिन का एजेंडा नहीं था, समझ गए? हम कह रहे हैं कि ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। कुछ पंडितों के खिलाफ, कश्मीरी पंडित के खिलाफ अगर अन्याय हुआ, हमले हुए, तो उसकी जितनी निंदा की जाए होनी चाहिए, उस दिन भी चाहिए था, आज भी चाहिए, लेकिन उसको उसका पॉलिटिसाइजेशन, उसका राजनीतिकरण, ये गलत बात है। उसको उस एक घटना को पकड़ करके, एक प्रकरण को पकड़ करके अब पूरे संविधान का करैक्टर उलट दीजिएगा, ये कभी अरदास नहीं हो सकता। वो तो पकड़ने वाला तो पुलिस है, उनको ये अरे भाई ये सब मत बोलिए, ये सब मोटिवेटेड है, ये सब बात जो लोग ना ये मारे कौन गए? ये कौन पकड़ाए हैं? छोड़िए ना, मारे कौन गए? हम ये कह रहे हैं ना कि जो आपका क्वेश्चन है कि जो लोग दंगे में संलिप्त थे और जो लोग पकड़े गए वो ज़्यादातर ना यही हम कह रहे हैं कि आप ये समझ लीजिए कि दंगे जब भी भड़कते हैं तो कोई एक पक्ष सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं होता है। दंगे जब भी होते हैं तो समान तरीके से दोनों पक्ष जिम्मेदार होता है। सवाल उठता ये है कि इस तरह से आपको देखिए, आप अगर मीडिया में हैं तो आप मीडिया की सत्यता को देखिए कि किस तरह से अभी राज ठाकरे जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ईद तक अगर जो है लाउडस्पीकर मस्जिदों से नहीं हरा दिया जा रहा है। अरे भाई ठीक है, केंद्र में आपकी सत्ता है, आप आताताई कर रहे हैं, तो ये माहौल कौन क्रिएट कर रहा है ये तो देखना पड़ेगा ना। अगर नहीं है तो आप गूगल में सर्च करिए, हुआ कि नहीं हुआ है, आपकी सत्यता से वाकिफ़ हो जाएंगे। पूरे ये भारत का संविधान पूरे एक एक नागरिकों को देश के किसी कोने में यानी एकदम पूरे सम्मान तरीके से रहने का पूरा अधिकार मैसर करता है, और इस पर किसी भी तरह का अतिक्रमण जो भी हो रहा है इसी से माहौल अशांत होता है, और यहीं से जो है ना दंगे फसाद फैलते हैं। और कपिल मिश्रा जैसा लोग जो है जो खुलेआम यानी पूरा वो एक तरह का ललकारते रहते हैं, तो ये आप समझ सकते हैं कि सूत्रपात तो कहीं ना कहीं करने वाले कोई लोग हैं जो सत्ता का इस्तेमाल, राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके और ये राजनीति को पूरा खिलौना बना लिए हैं, और जब जैसा चाहेंगे बोलेंगे करेंगे, कुछ नहीं हो सकता है। हमको लगता है भारत का संविधान में अंबेडकर को इसीलिए हम लोग याद कर रहे हैं कि संविधान में बहुत सारी चीज़ें हैं जो वैसे जो आतंकी लोग हैं, जो ऐसे आताताई लोग हैं, इसको नियंत्रित करने का एक मूल मंत्र है वो। तो आपने सुना कि इनका क्या कहना है कि अंबेडकर के बताए रास्तों पर चले, हिंसा और नफरत की राजनीति को हटाए। जीएन भारत के लिए रांची से वीडियो जर्नलिस्ट सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।